क्रिकेट पर सट्टा लगाते हुए दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ओझर चौकी क्षेत्र अंतर्गत कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब इलेवन के बीच होने वाले आईपीएल का सट्टा लगाया जा रहा था। मैच में 10,000 के हार जीत करते हुए आरोपी आदित्य उर्फ मोनू पिता रमेश अग्रवाल निवासी ओझर तथा मयूर पिता मिचिंद गोयल निवासी नांगलवाड़ी को गिरफ्तार किया गया। मजर खान साहब, क्या कार्रवाई रही सट्टे को लेकर? कल रात्रि 8 बजे हम लोग मुखबिर सूचना मिली कि कोई एक लड़का मेवत ढाबे पे आईपीएल का सट्टा, क्रिकेट का सट्टा लिख रहा है। इस पर टीम गठित करके हमने वहाँ पे जो मुखबिर ने स्थान बताया था वहाँ गए, वहाँ पे लड़के को घेराबंदी कर पकड़ा, जिसने अपना नाम आदित्य उर्फ मोनू अग्रवाल निवासी ओझर बताया, जिसे कब्जे से एक 10,000 रुपये की सट्टा पर्ची का लेखा जोखा मिला। पूछताछ करने में उसने कोलकाता नाइट राइडर्स और किंग्स इलेवन पंजाब में कल जो मैच चल रहा था उसमें कोलकाता नाइट राइडर्स पे 10,000 रुपये का हार जीत का सट्टा लगाया था। और पूछताछ करने के उपरांत उसने बताया कि ये सट्टा उसने मयूर अग्रवाल निवासी केली हाल मुकाम खरगोन को उसने लगाया है। उससे लोकेशन लेने पर पता चला कि वो रूई में है, उस रूई से टीम द्वारा उठाया गया। उससे अधिक पूछताछ करने पर मयूर के द्वारा बताया गया कि ये जो भी सट्टा है वो योगेंद्र उर्फ पिंकू अग्रवाल निवासी खंडवा उसको ये सट्टा का माना देता है। इसमें बड़े लोगों के सूत्र इसमें बड़े लोगों के भी बोले की चुका है, इसकी आगे जांच चल रही है। पिंकू गिरफ्तार करने के बाद आगे जाता है।